नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। रसोई गैस के बढ़ते दाम के बाद अब महिलाओं को रसोई गैस के दाम में राहत मिलने वाली है, क्योंकि लगातार रसोई गैस के बढ़ते दाम के बीच अब बिहार में जल्द ही सूर्य नूतन चूल्हा उपलब्ध होगा। भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बुधवार को घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले सौर चूल्हे को पेश किया है, जिसे रिचार्ज किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस चूल्हे को रसोई घर में रखकर उपयोग में लाया जा सकता है। इस चूल्हे को खरीदने की लागत के अलावा रखरखाव पर कोई खर्च नहीं है और इसे जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अर्थात इस सौर चूल्हे के लिए तो ईंधन की जरूरत है और ना ही लकड़ी की। आपको बता दें कि सूर्य नूतन रिचार्जेबल है, इसका पेटेंट भी कराया गया है। बेस मॉडल की कीमत करीब 12,000 रुपए और टॉप मॉडल की कीमत 23,000 रुपए होगी। हालांकि फिलहाल इसकी कीमत कम करने की दिशा में भी प्रयास जारी है। टॉप मॉडल से साल भर में ऊर्जा खपत 6 से 8 सिलेंडर के बराबर होगी। इस तरह से 1 से 2 साल में पूरी कीमत वापस हो जाएगी। इस चूल्हे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर मौसम में उपयोग किया जा सकेगा। यह सिस्टम टिकाऊ तो होगा, लेकिन इसके रखरखाव में मामूली खर्च जरूर आएगा, जिससे महिलाएं सौर ऊर्जा में खाना बना सकेंगी। इसके लिए ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के साथ मिलकर सोलर सिस्टम विकसित कर लिया है, जिसे सूर्य नूतन का नाम दिया गया। आपको बता दें कि ये चूल्हा बिहार में भी जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। इसे IOC के फरीदाबाद स्थित अनुसंधान एवं विकास विंग ने विकसित किया है। इस चूल्हे से सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है, जिसे 3 मॉडल में पेश किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार समेत देश भर में लोगों को LPG गैस के बढ़ते दाम से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दाम में बढ़ोतरी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बिहार सरकार के इस नए पहल से उम्मीद है कि रसोई के बजट में लोगों को जरूर राहत मिलेगी। इस अवसर पर IOC के निदेशक SSV राम कुमार ने कहा है कि ये चूल्हा सौर कुकर से अलग है, क्योंकि इसे धूप में नहीं रखना पड़ता। सौर नूतन को फरीदाबाद के IOC के अनुसंधान और विकास विभाग ने विकसित किया है, जो कि छत पर रखे PV पैनल के जरिए प्राप्त सौर ऊर्जा से चलता है। इस चूल्हे से न सिर्फ पैसा बचेगा, बल्कि प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने आधिकारिक आवास पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां इस चूल्हे पर पका खाना परोसा गया। इस चूल्हे को सूर्य नूतन नाम दिया गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।